लोग तो मैं ठीक ठाक हूँ, आप लोग बताइए कैसे हैं। तो देखिए, जो माजी बाबूजी वैक्सीन लिए थे, आज दूसरे दिन हो गए हैं, लेकिन इन लोग कुछ कुछ काम कर दे रहे, इस वजह से थकावट हो जा रही है, कमजोरी हो जा रहे इन, और थकान के वजह से इन लोगों को देखिए बुखार आ जा रहा। बुखार तो आता भी है, लेकिन डॉक्टर साहब ये सब बोले थे कि अभी आराम करना है 3 दिन। तो इन लोग किसान हैं, तो आराम इन लोग के लिए हराम हो जाता है। इन लोग आराम चीज को जानते नहीं कि आराम क्या कहलाता है। तो मेरे बाबूजी देखिए वहाँ, तो ये देखिए दोस्तों, बाबूजी मेरे यहाँ लेट गए हैं जमीन पर ही, और ये आज इनका वैक्सीन लिया हुआ दूसरा दिन है, लेकिन इन्हें बोलने का भी अभी मन नहीं कर रहा है, इसीलिए वो जमीन पर लेट गए हैं। और चलिए यहाँ देखते हैं माँ जी क्या करती है, माँ जी से भी मिल लेते हैं। तो यहाँ भी माँ जी लेटी हुई है अपने नातिन के साथ, तो देखिए माँ जी लेटी हुई है और उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। बाबू जी को तो मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन माँ जी देखिए बताती है या बोलती है कि नहीं। तो यहाँ देखिए माँ जी से पूछ लेते हैं, लेकिन इन लोग से सोया और लेटा नहीं जा रहा है। डॉक्टर साहब बोले कि 3 दिन तक आराम करना है। तो फ्रेंड, बुखार तो था, हाथ में थोड़ा बहुत दर्द है, मैंने इन्हें दवा दी और ये दवा खा कर थोड़ा इन लोगों को आराम लग रहा है। और चलिए फ्रेंड, हाँ तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे एक देवर और देवरानी पंजाब में रहते हैं, तो उनकी बच्ची बोली कि बड़ी मम्मी मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, मैं एक डांस करती हूँ, उस पर गाना गाई हूँ, आप मेरे प्लीज वीडियो को यूट्यूब पर डाल देना और मुझे भी सब लोग देखेंगे, मुझे भी लाइक करेंगे। तो फ्रेंड आप लोग देखिए उस बच्ची का मैं वीडियो आप लोगों के पास दिखाना चाहती हूँ, तो मैं इसे यूट्यूब से जोड़ दे रही हूँ, आप लोग प्लीज उस बच्ची का डांस देखिएगा और ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा।